उत्तर भारत समेत देश की राजधानी में गर्मी का कहर लगातार चरम पर बना हुआ है। इन दिनों अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार मापा जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। IMD के अनुसार दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। दिल्ली में आज जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इससे पहले गुरुवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पिछले 12 साल में अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे अस्थायी रूप से गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार के अधिकांश जिले में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 48 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को बीते कुछ दिनों की अपेक्षा राज्य के कुछ जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई। कई जिलों में मौसम में थोड़ी नरमी देखी गई और लू की स्थिति भी कम रही, जबकि बक्सर नवादा जैसे जिलों में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। वहीं मध्य प्रदेश में हीट वेव अगले कुछ दिनों तक लगातार परेशान करती रहेगी। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 मई से बादल छाते दिख सकते हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में लू का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में आज से 1 मई से लू से थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान जाहिर किया गया है। हालांकि तापमान में कल के मुकाबले आज बढ़ोतरी दर्ज होगी। आज राजस्थान में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। पारे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। राज्य में 2 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई के बाद ये पारा गिरकर 36 डिग्री तक आ सकता है। आज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास। वहीं उत्तराखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रह सकता है, तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास। हालांकि उत्तराखंड में हीट वेव वाली गर्मी नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।